सर हिजाब बैन नहीं होगा, आप चाहे पूरा हिंदुस्तान जोर लगा ले ये हिजाब बैन नहीं होगा। अगर हिजाब पर बाराई अपने गर्दन कलम करवा देंगे बट इस हिजाब को उतरने नहीं देंगे। सब्जी दो, दूध दो, दही दो, दलिया दो, दाल दो, राशन पानी चौर तेल वगैरह सब दो ना, जभी तो बनेगा। खाली गेहूं और चावल से खाना बनता है, ना कि मोदी ना केजरीवाल। ऊपर वाला ही सबको खिला सकता है, जब उसने पेट दिया तो खाने को भी वही देगा, लाजमी बात है। महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई है, स्कूल्स में बहुत केजरीवाल हो गए। हाँ वही, मतलब सबको चेंज, मोदी जी का पता ही नहीं क्या कराया उन्होंने, मुझे तो पता नहीं। स्कूल की यूनिफॉर्म में और हिजाब में बहुत फर्क है, तो उतरेगा ही नहीं, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, हिजाब उतरेगा ही नहीं। बोले कि जी साड़ी वगैरह मत पहनो तो पहनो मत, इस पे मुद्दा लगाओ, नहीं उठाओ भाई साड़ी मत पहनो तो मत पहनो भाई, इस पे मुद्दा उठना चाहिए। फिर हम नहीं मान सकते ना, हर चीज नहीं मान सकते, तो वो बोल रहे हैं, बोलने का काम है और वो बोलते भी रहेंगे शायद, शायद ना हो चुप, क्योंकि उनके पास कोई स्लोचन या टेप वगैरह नहीं है ना जो लगा लें वो एल्फी वगैरह। अच्छा। तो वो बंद नहीं होगी जबान, वो चलती ही रहेगी। देखो जनसंख्या बड़े या बड़े ना बड़े, देने वाला तो ऊपर है और खिलाने वाला भी वही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीरत मलिक है। कहाँ की रहने वाली है? जाफराबाद, न्यू दिल्ली। हाँ जी, ये बताइए मैम कि क्या मोदी गवर्नमेंट का 9 साल तो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट ने कैसा काम कर रही है देश के लिए और 24 में चुनाव होने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप? सर इन फ्यूचर बच्चों की सबसे पहले पढ़ाई खराब हो चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। स्कूल में जो मतलब पढ़ाई थी पहले, अब वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। स्टूडेंट नहीं रहे, क्योंकि जो पढ़ने बच्चे पहले जाते थे ना, अब वो पैसों का लालच दिया जाता है बच्चों को, इतने पैसे मिलेंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेजे, अब वो पैसे लेने जाते पढ़ने नहीं जाते, तो वो पढ़ाई नहीं रही, पढ़ाई खत्म हो चुकी है स्कूल की। जी अरविंद केजरीवाल तो दावा करते हैं कि हम दिल्ली की स्कूलों को अच्छा बना दिया है, अच्छा काम बनाए, वो फैसिलिटीज जो बढ़ी है वो स्कूलों में पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, स्कूल की स्कूल सीट सुविधा, ये दी जा रही, ये नहीं दी जा रही। टीचर को फर्क नहीं पड़ता बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, बैग में वो बुक्स ला रहा है, नोटबुक ला रहा है, नहीं ला रहा, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल आ रहे, अटेंडेंस लग रही है, बच्चे जाओ, कोई मतलब नहीं। केजरीवाल सही जो वादे कर रहे हैं वो सब मुझे नहीं लगता वो सही है। अच्छा, जी सही काम नहीं कर रहे यार। काम वो अच्छा कर रहे हैं, देखो बिजली फ्री दे रहे हैं वो ही अच्छा, सबके लिए वो अच्छा, लेकिन स्टूडेंट इन फ्यूचर खराब हो चुका है। अच्छा। इन फ्यूचर बच्चे पढ़ नहीं रहे आजकल, हम सिर्फ यहाँ खड़े हैं, आपसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हमसे फॉरनर या किसी लैंग्वेज में, अलग लैंग्वेज में बात करे कोई, तो हम नहीं कर सकते उससे बात। अच्छा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। स्कूल में हमें टीचर क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप इस टाइम स्कूल में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स फॉलो ये कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी। केजरीवाल तो दावा करते हैं कि हम हाई एजुकेटेड टीचर्स ला रहे हैं, सबको अच्छे पढ़ाएंगे। एजुकेटेड टीचर, टीचर को ये पूछो ना, बच्चों को भी तो पूछो आपके बैग में है क्या, फोन होते हैं बैग में आजकल स्कूल में। अच्छा। बुक नहीं होती स्कूल में, लेकिन वो पेरेंट्स की गलती है, फोन क्यों दे रहे हैं बच्चों को? तो स्कूल वाले की भी तो गलती है ना, बैग चेक क्यों नहीं करते? अगर आप एंट्री कर रहे हो ना गेट में, तो सबसे पहले बैग चेक करो स्कूल में, आप नोटबुक लेकर आ रहे हो कि फोन लेकर आ रहे हो? अच्छा। जब भी कंप्लेंट करो आप उनके घर पे फोन करो कि भाई ये बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं आ रहा, आप इन्हें घर बिठाओ, वही वाला सिस्टम हो चुका है, अभी नहीं है, ठीक है? लेकिन पेरेंट्स को जिम्मेदारी नहीं बनती इसमें? जिम्मेदारी बनती है ना, पहले स्कूल वाले कंप्लेंट करेंगे जब भी, तो जिम्मेदारी बनेगी ना, उससे पहले जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें तो दिख रहा है ना नोटबुक जा रही है, फोन तो घर पर रखा हुआ दिख रहा है, ठीक है? अब वो लेकिन रास्ते में फ्रेंड्स हैं, कोई और ला रहे हैं, तो उनकी भी तो है ना। बच्चे ना रिस्पॉन्सिबल माँ बाप पर नहीं है, अब माँ बाप रिस्पॉन्सिबल बच्चों पर है। अच्छा। जी बताइए कि मोदी गवर्नमेंट के काम की बात करो तो वो बताया जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए जो 3 तलाक बैन किया है वो महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है। हाँ ये चीज है, ये कह सकते हैं, एग्री करते हो इस चीज को? एग्री करते हैं। हाँ, ये क्या मतलब कि 3 तलाक के पहले क्या माहौल था, 3 तलाक के बाद बैन होने के बाद क्या? सर देखो मैंने इस पर देखा नहीं और मैंने अभी इसको सोचा भी नहीं। सोसाइटी में रहते हैं, लोगों को सुनते होंगे, बातें करते होंगे। हाँ रहते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी में जो होता है, जैसे कि अब 3 तलाक है, हम लोग कोर्ट वगैरह नहीं जा पाते, घर में ही जो रहता है, मतलब जैसे कि घर में जो बोलते हैं। इस चीज के बारे में मैं नहीं बता सकती, मुझे इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, सॉरी। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप बोल रहे हैं कि मोदी ने सही किया, वो बैन किया? हाँ हाँ वो बैन किया, वो सही है। अच्छा, ठीक है। वो देश में जो जनसंख्या बढ़ रहा है पूरी तरीके से, एक मुद्दा और उठ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में क्या ख्याल है? अब मैं सर मेरे कहने से या आप लोगों के कहने से, जनसंख्या पहले भी थी, अभी थोड़ी ना जनसंख्या हुई है और भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि कंट्रोल करने के लिए कुछ कोई ना कोई बिल लाना चाहिए। जब आदमी है या औरत है तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, लाजमी बात है। अच्छा। और कोई कंट्रोल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना
पहले भी थी और अभी भी है। देखो जनसंख्या बड़े या बड़े ना बड़े, देने वाला तो ऊपर है और खिलाने वाला भी वही है। अच्छा। ना कि मोदी ना केजरीवाल, ऊपर अच्छा। वाला ही सबको खिला सकता है। अच्छा। जब उसने पेट दिया तो खाने को भी वही देगा, लाजमी बात है। अच्छा। कोई रोड पर रहे या घर पर, खाना तो सभी को मिलेगा। हिजाब बैन का भी मुद्दा उठ रहा है कि देश में हिजाब बैन होना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना? सर हिजाब बैन नहीं होगा, आप चाहे पूरा हिंदुस्तान जोर लगा ले, ये हिजाब बैन नहीं होगा और न ही हम करेंगे इस हिजाब को बैन। अगर हिजाब पर बारा ही अपने गर्दन कलम करवा देंगे बट इस हिजाब को उतरने नहीं देंगे, ये नहीं बैन हो सकता। इस चीज को नहीं बोले फिर मैं जोश में बहुत ज्यादा आ जाऊंगी। तो सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, अगर संविधान ऐसा बोल रहा है करने के लिए तो फिर नहीं मानेंगे। ये चीज बैन नहीं होगी, हिजाब ने बैन नहीं हो सकता। समस्या क्या है इसमें, मतलब समझाइए हमें। आपको आपसे बोले आप कपड़े उतार के घूमो, पूरे कपड़े उतार के घूमो के घूमो, कपड़े कोई बात नहीं कर रहा है, हिजाब की बात कर रहा है। एक बात आपसे बताए ना, अगर बैन करना है तो आप ये कल को ये बोलो कि कपड़े उतार के घूमो तो घूमोगे आप? बताओ आज हमारे सर के हिजाब उतरे जा रहे हैं, कल को आपसे बोला जाए अरे भाई सब पूरे विदाउट अंडर गवर्नमेंट सब कुछ उतार के घूमना है, घूमेंगे? मना करेंगे ना कि भाई नहीं हम इसके बिना नहीं रह सकते, तो ये भी हमारा इसी तरीके से हम इसके बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। नहीं बोलेगी फिर उसमें क्या मतलब क्या सर, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तो सब मान लेंगे क्या हम? अच्छा। हम नहीं मान सकते ना, हर चीज नहीं मान सकते। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं, बोलने का काम है और वो बोलते भी रहेंगे शायद। अच्छा। शायद ना हो चुप, क्योंकि इनके पास कोई स्लोचन या टेप वगैरह नहीं है ना जो लगा लें वो एल्फी वगैरह। अच्छा। तो वो बंद नहीं होगी जबान, वो चलती ही रहेगी। अच्छा। तो उनकी बातों को तो सुनेंगे ही नहीं ना। बंद करने वाले आप लोग हैं वोट देकर, क्या लग रहा है? मैं तो कहती हूँ मैं वोट नहीं दूंगी, बट आप सब मेरी तरह हो जाए ना, नहीं वोट हमें नहीं देना, हम भी नहीं दें। अच्छा। तो सब एक के करने से कुछ नहीं होगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा, जब भी कुछ ना कुछ चेंजेस आना चाहिए या फिर रिपीट चाहिए मोदी गवर्नमेंट, रिपीट चाहिए या फिर चेंजेस? मैं कहूँ तो चेंजेस चाहिए। किसे मतलब पसंद कर रहे हैं आपको? अपने आपको, अपने आपको प्रधानमंत्री बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है जी, बिल्कुल राहुल गांधी का नाम और कांग्रेस या राहुल गांधी। यस यस यस। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ मजबूत दिखाई दे रहे हैं आप? हाँ सर, देखो मेरा वोट अभी भी कांग्रेस को था, नेक्स्ट भी कांग्रेस रहेगा और आने वाले टाइम में भी इन फ्यूचर कांग्रेस ही रहेगा, जी। मोदी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ रहा ना, आगे आए या नहीं आए, चाहे अजरी वो हो, राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, इससे हमें नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। लेकिन उनके काम से फर्क पड़ता है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि इतना राशन बांटा सबको फ्री में कोरोना काल में, बाकी समय खिलाया, फिर आप फ्री के लोग खाने वाले हैं तो रहे, राशन दे तो रहे, चावल खिचड़ी बनाओ, दलिया बनाओ, उसमें डालो और खीर पकाओ और खाओ, बस रोटी का खत्म। गेहूं का भी तो फायदा हो गया। अच्छा। कि चावल ज्यादा राशन में सब्जी नहीं खा सकते ना, सब्जी तेल तो सब्जी सब्जी भी और सब्जी भी नहीं चाहिए, सब्जी दो, दूध दो, दही दो, दलिया दो, दाल दो, राशन पानी और तेल वगैरह सब दो ना, जब भी तो बनेगा, खाली गेहूं और चावल से खाना बनता है, मतलब कि तभी मोदी को वोट करोगे? इतना नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि वो राशन देगा तो हम तभी वोट, क्या राहुल गांधी देंगे आएंगे तो? नहीं नहीं, हमने तो उनसे भी नहीं मांगा ना, ना इनसे मांग रहे। अरे भाई काम तो देश के लिए तो अच्छा करो। क्या क्या लग रहा है देश में क्या काम हुआ है 8 सालों में? क्या काम हुआ है आप देख रहे हो, यहाँ का नजारा अच्छा हो गया है, ये अच्छा हो गया है। हाँ। चांदनी चौक पहले ऐसा नहीं था, चेंज हो गया पूरा। हाँ। और आप महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई है। हाँ। स्कूल्स में बहुत केजरीवाल हो गए। हाँ वही मतलब सब कुछ चेंज, मोदी जी का पता ही नहीं क्या कराया उन्होंने, मुझे तो बता नहीं उनका। महसूस नहीं किया आपने? नहीं मैंने नहीं किया उनका कुछ। अच्छा, महसूस आपने भी कुछ महसूस नहीं किया उनका? नहीं बता तो रहे कभी, देखो जातिवाद पे मुद्दा कि जी मुसलमानों को ये नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को ना भाई हिजाब पर मुद्दा, कभी कोई ना कोई मुद्दा चलता ही रहता है। वो बता रहे अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है, ठीक है, स्कूल ने रूल्स बना रखा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना है, तो मतलब वहाँ पे हिजाब पहनना तो गलत होगा ना एक तरीके से? तो सर एक रूल्स बनना चाहिए ना भाई, यहाँ हिजाब नहीं और पहन कर आओ, हिजाब का ही मुद्दा ज्यादा वो होता है कि चलो स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है। हाँ। लेकिन ये हिजाब अलग है। अच्छा। स्कूल की यूनिफॉर्म में और हिजाब में बहुत फर्क है। आजकल तो सभी हिजाब में कौन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब है। हाँ, लेकिन पता भी नहीं लगता ये हिंदू की बेटी है या मुसलमान की बेटी है, पता चलता है, नहीं पता चलता होना जरूरी है? नहीं मैं कह रही पता नहीं चलता, क्योंकि हिजाब सभी पहन रहे, इसमें तो कोई नहीं, लड़कियाँ पहनकर डालकर जाती है। हाँ मैंने, मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड खुद मेरे साथ हिजाब में जाती है। अच्छा, हिजाब पहन दिया? हाँ। अच्छा। हिजाब में पहन कर जाती है मेरे साथ। तो आपके हिसाब से स्कूल में कॉलेज में जो रूल्स हो उसको ना माने, हिजाब पहन के जाए? रूल्स रखें जो है वही रहे, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप स्कूल को चेंज करें यूनिफॉर्म नहीं और हिजाब ही पहन कर भेजें। अच्छा। ये भी नहीं कहा जा रहा, स्कूल रूल्स स्कूल में रहे, बाहर के रूल्स बाहर में। वही उठ के आया था ना बीच में जो मुद्दा आया था कि स्कूल के अंदर अगर मना कर दिया प्रिंसिपल ने कि हिजाब पहन के मत आओ, उसके बाद से पूरे देश में देख रहे थे आप क्या माहौल हो गया था हिजाब को लेकर। सर वो तो मुद्दा तो हर किसी बात पर बनी रहा है ना, कभी किसी चीज को लेकर कभी किसी चीज को लेकर।
तो उतरेगा ही नहीं, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, हिजाब उतरेगा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा। क्यों उतारना चाहिए? क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि तू हिंदू हो। आज की लड़की ऐसी भी होती हैं कि बुरखा डालकर जाती हैं और बाहर उतार भी देती है, ना पता चलता है हिंदू है ना मुस्लिम है। वैसे ऐसे होते हैं, देखो बुरा नहीं मानना। फटी पैंटे पहन के जाती है? नहीं पहन कर, वो एक बात कह रही, मैं भी हिजाब में भी चली जाती हूँ, बुरखा डाल लेती है, पता भी नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं। अब माथे पे थोड़ी ना लिखा हुआ कि हिंदू की लड़की है मुसलमान की लड़की है, पता चलता है? किसी को नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। बुरखा पहन के पता चलता है कि ये मुसलमान है, मुसलमान ही है, बिना बुरखे के नहीं पता चलता। मुस्लिम मतलब सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती, ये भी तो बचा। ये इनके उसमें बोले कि जी साड़ी वगैरह मत पहनो, तो पहनो मत, इस पे से मुद्दा लगा नहीं उड़ाओ भाई, साड़ी मत पहनो तो मत पहनो भाई, इस पे मुद्दा उठना चाहिए फिर। अच्छा, जब हिजाब पे आएगा तो साड़ी पे भी आएगा, साड़ी पहनेंगी और क्या पहनेंगी? फिर मुसलमान की औरतें भी बुरखा ओढ़ेंगी, क्यों नहीं ओढ़ेंगी? हिजाब लगाएंगी, क्यों नहीं लगाएंगी? क्यों नहीं लगाएंगी जब हम लोग हिजाब नहीं ओढ़ सकते? रिवाज यही है, साड़ी पहनने का, तो साड़ी पहनेंगी। हाँ जी सर, क्या बोल रहे? सर जो मैडम जी ने बोल के गए ना, देखिए पहली बात तो ना तो मनुस्मृति से यह देश चल रहा है और ना तो सरिया से चल रहा है। हर स्कूलों का अपना अपना ड्रेस कोड होता है। आज अगर स्कूल वाले कह रहे हैं कि भैया हमें ड्रेस, हमारा ड्रेस होना चाहिए, तो उसको मानो। अगर ये अपने हिजाब की बात कर रहे हैं, अभी केरल में कुछ स्कूलों में चल रहा था, वहाँ पे हिंदू लेडीज़ों के साथ कंगन पहने निकलवा रहे हैं, सिंदूर नहीं मंगलसूत्र निकलवा रहे हैं, लेकिन इनको हिजाब में जाने दे रहे हैं। तो ऐसा भेदभाव को, ऐसा भेदभाव क्यों? तो ये देश ना तो सरिया से चल रहा है, ना तो मनुस्मृति से चल रहा है, ये संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चल रहा है, वो मानना पड़ेगा। हर स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, जो प्राइवेट स्कूलें हैं और सरकारी में, सरकारी भी अपना अपना कर रहे हैं, तो सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, ये कहने वाली बात है। तो इस हिसाब से देश का जो माहौल है ना, तुम अपना करो, वो अपना करें, तब तो भैया देश फिर कौन चलाएगा? फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी फिर संविधान बेकार। बाबा भीमराव अंबेडकर ने रामचरितमानस को नहीं जलाया, गीता को नहीं जलाया, पुराण को नहीं जलाया, कुरान को नहीं जलाया, बाइबल को नहीं जलाया, केवल उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। इसलिए कि अगर यहाँ पे संविधान आया है, हमने बनाया है, उस संविधान, इस संविधान से देश चलेगा। अगर मनुस्मृति रहेगा तो देश में बवाल मचेगा। अच्छा। क्योंकि फिर मनुस्मृति का अलग सिस्टम चलेगा। इसलिए कि हम ये मनुस्मृति एक संविधान था, वो कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले मनुस्मृति को जलाया कि इसको जला के हम अपना संविधान लागू करेंगे। बस यही सिस्टम है भैया। अगर चलाना है देश तो संविधान से चलेगा।